ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? ये प्रतियोगिता में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चंस मतलब 20 प्रश्न होंगे, ठीक है? जब प्रश्न खत्म होगा तब जिसको उत्तर पता है वो घंटी बजाएगा, और जो घंटी बजाएगा उसको उत्तर देने का मौका मिलेगा। समझ में आया? सही उत्तर, करेक्ट आंसर, मतलब 1 पॉइंट। सही उत्तर 1 अंक, नो उत्तर 0, पपेटो। समझ में आया? शून्य। तो बी क्लियर, आर यू क्लियर? गुड गुड, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बादल, सर एक मिनट, पता नहीं कैसे मेरी टीम सो गई, परीक्षा रोकनी होगी। व्हाट, रोकनी पड़ेगी? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ए गडेरा, जो टाइम तय किया है उसी टाइम पे प्रतियोगिता चालू होगी। बी क्लियर अबाउट दैट? उठो उठो रमैया, बोलता उठो, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, बोलता उठो। अनिरुद्ध, तुम इस परीक्षा का हिस्सा नहीं हो तो तुम अपनी टीम के साथ खड़े नहीं रह सकते। जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ, वरना जज को कहकर तुम्हारी टीम को अयोग्य ठहरवाना पड़ेगा मुझे। यस यस, पर सर मुझे मेरी टीम को उठाना होगा ना सर, पता नहीं कैसे सब सो गए। सोई नहीं है अनिरुद्ध, सोने का नाटक कर रही है ये, क्योंकि दिमागी परीक्षा शुरू होने से पहले ही जान गई है ये कि ये हारने वाली है मेरी टीम से। मेरी टीम की लड़कियां नाटक नहीं कर रही मिसेस बेटी ग्रीनवुड, मैं जानता हूँ कितनी मेहनत की है उन्होंने। और तुम ये भी जानते ही होगे कि कितनी गवार और बेवकूफ लड़कियां हैं ये, इतनी जल्दी कोई पढ़ना सीखता है क्या? बस कुछ दिन की मेहनत से क्या ये तोते की तरह जवाब देने लगेंगी? हाँ, इसलिए तुमने सोने का बहाना बनाया ना, अच्छे से पढ़ा नहीं पाए लड़कियों को तो कम से कम एक अच्छा बहाना ही दे देते मुझे, ये कह देते कि लड़कियां भाग गई या इनको पढ़ाने वाली किताब फट गई। मैं बहाने नहीं बनाता, ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो सौदामिनी, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसमें सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हारी कोई नई गंदी चाल, वरना सारी लड़कियां एक साथ सो सकती हैं क्या भला? वाह वाह अनिरुद्ध वाह, तुम हारने से डरते हो? ये बात क्या कभी किसी से छिपी है? पर कम से अपनी हार का दोष मेरे सर पे तो मत फोड़ो। मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारी टीम की लड़कियों के पास भी नहीं गई, तो मैंने कैसे गलत कर दिया? सो, इनका बहाना क्या खत्म नहीं होने वाला? आप समय से एग्जाम शुरू कर दीजिए। इनका तो पता नहीं, लेकिन हम ब्रिटिशर्स समय की बहुत कदर करते हैं, इन हिंदुस्तानियों की तरह नहीं जो सिर्फ बहाने देखकर हमारा टाइम वेस्ट कर सके। और सर, मुझे मेरी टीम के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। बस बस बस, बोल हो गया, बहुत हो गया।
देखो लड़कियों के जागने तक मैं रुक नहीं सकता, ये अपनी प्रतियोगिता रुक नहीं सकती। वी मस्ट स्टार्ट एट द राइट टाइम। प्लीज अनिरुद्ध जगह पर जाके बैठ जाओ। उठो। बिनॉय, बिनॉय हमसे ये बेईमानी की परीक्षा नहीं देखी जाएगी, हम जा रहे हैं। दा, दा। मिसेस बेटी ग्रीनवुड, जरा ध्यान से देखने का कष्ट करेंगी? सिर्फ बॉन्डिता ही नहीं, सारी लड़कियां जागेंगे। देखिए सबकी आंखें खुली हैं, पानी आंखें खोलने के लिए। नहीं? अभी मेरा अगला प्रश्न, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यस माय एंजल, कान की हड्डी। करेक्ट। लड़कियां क्या अभी लड़के सो गए? What is this happening? ये क्या हो रहा है बेटी? लड़कियां जाग गई है और लड़के सोते जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता, मैं खुद भी परेशान हूँ। अगला प्रश्न। रुकिए सर, जरूर अनिरुद्ध ने कुछ गड़बड़ की है। देखिए मेरी टीम के लड़के सो रहे हैं। मैंने कहाँ कुछ किया है? मुझे तो लगता है आपकी टीम के लड़के समझ गए हैं कि लड़कियों से हार होने वाली है उनकी। अब लड़कियों से हारने में शर्म आ रही होगी, इसीलिए सोने का नाटक कर रहे हैं। भला मेरी टीम क्यों नाटक करेगी? उन्होंने तो पूरी किताब घोट के पी है। घोट कर पी ली है? अरे वाह। पर आप एक बात जानती है मिसेस बेटी ग्रीनवुड, घोट कर पीने से नहीं, समझने से याद होती है पढ़ाई। और कम से कम बहाना तो अच्छा बना लेती हैं आप, यही कह देती लड़कों ने ज्यादा खाना खा लिया है इसीलिए सो गए। खाना? तुम्ही ने मेरे टीम के लड़कों के खाने में कुछ तो मिलाया है। सर, इसी ने मेरे टीम के लड़कों के खाने में कुछ तो मिलाया है, मैं कह रही हूँ। और अगर वकाई तुमने ऐसा किया है मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, तो इसकी सजा मिल सकती है ना? ग्रीनवुड, सॉरी सॉरी सर ग्रीनवुड, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा भला? अब जैसे आपकी डियर वाइफ मिसेस बेटी मेरी टीम के पास नहीं गई थी, वैसे ही मैं भी आपकी टीम के पास नहीं गया था। मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारी टीम की लड़कियों के पास भी नहीं गई, तो मैंने कैसे गलत कर दिया? गया था क्या? नहीं ना, तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं ना। बताइए, अपने निकम्मेपन का दोष मुझ पर तो मत डालिए प्लीज। हाँ बड़े सर बाबू, हम हिंदुस्तानी में समय की बहुत कदर करते हैं, अच्छे से जवाब देते हैं, और वो भी एकदम सही समय पर। क्यों सर बाबू? बिल्कुल सही विद्यार्थी बॉन्डिता। और अब जो हम हिंदुस्तानियों को कम आंकने की गलती की है इन्होंने, तो इन्हें पछताना तो पड़ेगा ना। आप जारी रखिए सर, प्रतियोगिता जारी रखिए। अगला सवाल। अगला प्रश्न। मैं एक मिनट में आया।